हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम आए टोयोटा के ओम शोरूम पे और हमारे पास है टोयोटा की हाईली मॉडिफाई हाइलक्स। ये देखिए, यहाँ पर अपने को इसकी बेजिंग देखने के लिए मिलेगी, हाइलक्स एक्सट्रीम ऑफ रोड कॉन्सेप्ट, मतलब हाईली ऑफ रोडिंग के लिए तैयार किया गया है इस हाइलक्स को। ये देखिए, उससे पहले अगर अपन इसकी डिटेल में बात करें तो उससे पहले मैं जो आपको जो नॉर्मल जो हाइलक्स आती है उसके फीचर्स के बारे में बताना चाहता हूँ। इसमें अपने को 2.8 लीटर का फोर सिलेंडर डीजल इंजन देखने के लिए मिलता है, जो कि पावर जनरेट करता है 201 VHP और 500 न्यूटन मीटर का टॉर्क। तो पावर वगैरह में अपने को पहले से ही काफ़ी शानदार मिल जाती है टोयोटा हाइलक्स। आज हम जो इसमें एसेसरीज लगी हुई है, जो जो अपने को इसमें ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ के लिए एक्स्ट्रा एसेसरीज लगी हुई है, उन सब की बात करेंगे और साथ साथ जो इसमें चेंजेज है वो भी मैं आपको शेयर करता रहूँगा। नॉर्मल वाली हाइलक्स भी ये देखिए यहाँ पर अपने को खड़ी मिलती है, तो जो जो चेंजेज अपने को इसमें मिलते हैं वो साथ साथ अपन कंपैरिजन भी करते रहेंगे। ये देखिए, चलिए इसके फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं और देखते हैं अपने को इस वाली हाइलक्स में क्या क्या देखने के लिए मिलता है। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूँ, इसके इंजन वगैरह में कोई भी ट्यूनिंग नहीं की गई है। ये देखिए, इसका इंजन जो अपने को 2.8 लीटर वाला फोर सिलेंडर मिलता है सेम वही है, उसमें कोई भी पावर वगैरह में चेंजेस नहीं किया गया है। चलिए इसके फ्रंट प्रोफाइल से शुरू करते हैं और देखते हैं अपने को इसमें क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलता है। ये देखिए, फ्रंट से आपको ऐसी देखने के लिए मिलेगी टोयोटा हाइलक्स। ये देखिए, जो मॉडिफाई की गई है नॉर्मली आपकी स्क्रीन पे शो रहेगी, नॉर्मल वाली हाइलक्स अपने को कैसी मिलती है। ये देखिए, और यहाँ पे अपने को टोयोटा का लोगो देखने के लिए मिलता है, वही जो अपने को पहले मिलता था। इसमें जो अलग है वो है इसका फ्रंट बम्पर। ये देखिए, इसका जो पुराना वाला बम्पर है वो निकाल दिया गया है इसमें से, और यहाँ पे फ्रंट में ये देखिए सस्पेंशन वगैरह सब कुछ चेंज किए गए, क्योंकि इसमें अपने को काफ़ी लार्ज साइज़ के व्हील देखने के लिए मिलते हैं। इनकी भी अपन बाद में बात करेंगे, पहले ये देखिए यहाँ पर अपने को शॉक अब्जॉर्बर वगैरह सब कुछ चेंज किया गया है, यहाँ पे हाईली मॉडिफिकेशन की गई है इसमें। ये देखिए, और अप्रोक्स इस मॉडिफिकेशन की प्राइस की बात करें तो इसमें अपने को 70 लाख रुपए के अप्रोक्स इसकी मॉडिफिकेशन देखने के लिए मिलती है। इससे टोयोटा ये दिखाना चाहता है कि इनकी हाइलक्स देखिए कितनी कैपेबल है ऑफ रोडिंग के लिए। और यहाँ पर भी ये देखिए, पीछे अपने को हाइलक्स का एडवर्टाइजमेंट चल रहा है जिसमें अपने को सारी जनरेशन दिखा रहा है, इसकी फर्स्ट जनरेशन से लेके अब तक की जितनी भी जनरेशन लॉन्च हुई है। ये देखिए, और इसका बम्पर देखते हैं अपने को, ये देखिए पूरा लोहे का देखने के लिए मिलता है, और इसी में ही अपने को फ्रंट पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर अपने को एक्स्ट्रा LED लाइट देखने के लिए मिलती है, और यहाँ अपने को इसका फॉग लैंप मिलता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा एक्सट्रीम लेवल की लाइट्स ऐड की हुई है। ये देखिए, यहाँ पर अपने को बार लाइट देखने के लिए मिलेगी, और यहाँ पर दो एक्स्ट्रा लाइट मिल जाती है, और बाकी फॉग लैंप वगैरह अपने को इसमें भी मिलता है, और फ्रंट पार्किंग सेंसर भी मिल जाता है। यहाँ पे अपने को टोइंग हुक मिल जाते हैं दो दो फ्रंट में, ये देखिए, और ऐसा कुछ मिलेगा अपने को इसका विंडशील्ड की हाइट काफ़ी ज़्यादा ऊपर चली गई यार इसकी, ये लिफ्ट वगैरह लगाने से किट वगैरह के लिए। और यहाँ पे अपने को इसका एग्जॉस्ट देखने के लिए मिलता है, ये देखिए, पहले अपने को इसमें 700 mm की वाटर वेडिंग कैपेसिटी मिलती थी, अब इसका एग्जॉस्ट ये देखिए ऑफ रोडिंग के हिसाब से फिट किया गया है, तो आप इसको कम से कम 1000 mm तक पानी के अंदर ले जा सकते हैं। ये देखिए, अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल में। उससे पहले अगर हेडलाइट वगैरह की बात करें तो अपने को सेम वही हेडलाइट मिलती है जो अपने को फॉर्च्यूनर में देखने के लिए मिलती है, LED मिलती है अपने को इसमें, प्रोजेक्टर ये देखिए हाई बीम लो बीम अपने को इसी में ही इंटीग्रेटेड मिलती है, यहाँ अपने को इसके DRL वगैरह और इंडिकेटर मिल जाते हैं। ये देखिए, अब चलते हैं इसके साइड प्रोफाइल पर और देखते हैं अपने को और क्या क्या चेंजेज मिलते हैं इसमें। ऐसा कुछ मिलता है अपने को इसका साइड प्रोफाइल। लेंथ की बात करें तो अपने को इसमें 5325 mm की लेंथ देखने के लिए मिलती है, जो अपने को नॉर्मल मिलती है, जो कंपनी फिटेड मिलती है, लेकिन इसमें बम्पर और पीछे के गार्ड वगैरह बढ़ाए गए तो उससे इसकी लेंथ भी बढ़ गई है। अब इसके व्हील वगैरह देखते हैं अपने को किस साइज़ के व्हील मिलेंगे। ये देखिए, पहले इसका ORVM देखते हैं, ये भी देखिए अपने को चेंज किया गया, काफ़ी लार्ज साइज़ का इंस्टॉल किया गया अब इसमें। पहले अपने को नॉर्मल देखने के लिए मिलता था, उसमें कोई भी ब्लाइंड स्पॉट का ऑप्शन नहीं था, लेकिन इसमें ये देखिए ब्लाइंड स्पॉट का भी, लेकिन अब ये इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट नहीं है, इसको आप मैनुअली एडजस्ट कर सकते हैं। अब एक बार मैं आपको लेफ्ट हैंड साइड लेके चलता हूँ, फिर अपने इसके व्हील की साइज वगैरह देखते हैं। इधर थोड़ी रोशनी वगैरह काफ़ी सही है, और ये देखिए कितने लार्ज साइज का अपने को इसमें अलॉय व्हील देखने के लिए मिलता है। इसमें सब कुछ चेंज किया गया है, अलॉय व्हील वगैरह, ये देखिए टायर वगैरह। और इसके व्हील के प्रोफाइल की बात करें तो ये देखिए अपने को 37x 13.50 R17 इंच का व्हील मिलेगा अपने को इसमें। ये देखिए, और काफ़ी शानदार इसमें अलॉय व्हील देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ पे ये देखिए गैस स्टार्ट देखने के लिए मिलेगा आपको इसमें, अपने को नाइट्रोजन गैस इंस्टॉल करनी पड़ती है। अब ये काम क्या करता है वो बताता हूँ आपको इसमें। ये देखिए, अब ये व्हील्स लगाने से इसमें अपने को काफ़ी ज़्यादा हेवी लोड पड़ता है इसके इंजन पर, तो इसकी मदद से आप इसको थोड़ा लाइट और हेवी दोनों कर सकते हैं। अगर आपको व्हील को थोड़ा लाइट करना हो तो आप इसकी मदद से कर सकते हैं, और हेवी भी करना हो जैसे ऑफ रोडिंग के मामले में तो आप इसको यहाँ से थोड़ा हेवी कर सकते हैं। देखिए हाईवे वगैरह चले तो आप इसको इजी कर सकते हैं। और यहाँ पे अपने को ये देखिए इसके सब कुछ एक्सल वगैरह सस्पेंशन सब कुछ चेंज किया गया है इसमें इन व्हील्स के अकॉर्डिंग, क्योंकि इसमें वेट काफ़ी ज़्यादा है इन व्हील्स में। और यहाँ अपने को ये देखिए फुट स्टेप वगैरह देखने के लिए मिलता है। रूफ पर अपने को ये देखिए कैंपिंग वगैरह के लिए सामान वगैरह ले जाने के लिए, ये देखिए रूफ पर
कैरियर देखने के लिए मिलेगा इस पर, आप अपना एक्स्ट्रा फ्यूल वगैरह कैरी कर सकते हैं ये देखिए। और रियर में देखें तो ये अपने को इसका नॉर्मली मिलता था, सेम ही है, इसमें कोई भी चेंजेस किया नहीं गया है ये देखिए। और इसमें अपने को दो एक्स्ट्रा व्हील देखने के लिए मिलते हैं और एक फ्यूल कैन देखने के लिए मिलेगा ये देखिए। यहाँ पे भी अपने को ये देखिए टोइंग हुक अवेलेबल है, काफ़ी हेवी ये देखिए। और रियर वाला बम्पर भी अपने को इसमें चेंज मिलता है। यहाँ से एक बार इसका सस्पेंशन शोकर वगैरह देखिए, सब कुछ चेंज किया गया है इसमें। और यहाँ अपने को इसका स्पेयर व्हील मिलेगा ये देखिए। गाड़ी के अंदर और चेक करते हैं इसका इंटीरियर कि इंटीरियर में क्या क्या चेंजेस देखने के लिए मिलता है अपने को इसमें। पर अपने को दोनों साइड डिफरेंट सेंसर देखने के लिए मिलते हैं ये देखिए। और ड्राइवर साइड डोर अपने को सेम ही देखने के लिए मिलेगा। यहाँ पे अपने को इसमें सारे कंट्रोल्स मिलते हैं कंपनी फिटेड ही ये देखिए। ORM के इलेक्ट्रिक एडजस्टमेंट वगैरह, लेकिन ये चेंज करने के बाद अब ये वर्किंग नहीं है। और यहाँ पर अपने को ये देखिए लेदर का ट्रीटमेंट वगैरह देखने के लिए मिलता है, लेकिन ये इसमें पेंट किया गया है ये देखिए। पहले अपने को इसमें नॉर्मल मिलता था, अभी अपने को ये देखिए पेंटेड मिलता है। और इसमें स्पीकर की बात करें तो टोटल नंबर स्पीकर अपने को इसमें 6 देखने के लिए मिलते हैं ये देखिए। और इस सीट वगैरह अपने को लेदर की सीट देखने के लिए मिलेगी। इसमें अपने को 3 वेरिएंट, टोयोटा हाइलक्स में अपने को 3 वेरिएंट देखने के लिए मिलते हैं, स्टैंडर्ड, हाई और हाई ऑटोमेटिक, ये इसका टॉप वेरिएंट है। और ऑन रोड प्राइस की बात करें तो लगभग लगा अपने को 45 लाख रुपीज़ जिसकी ऑन रोड प्राइस मिलती है। और सीट के एडजस्टमेंट की बात करें तो ये देखिए आप इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं ये देखिए, हाइट वगैरह के लिए, रीच के लिए और रिक्लाइन के लिए। और अपने को एडजस्टेबल हेडरेस्ट वगैरह। इंटीरियर में अपने को कोई भी खास चेंजेस देखने के लिए नहीं मिलते हैं, बस अपने को जो अंदर बाहर लाइटें वगैरह मिलती है उसके कंट्रोल देखने के लिए मिलेंगे ये देखिए। जैसे कि यहाँ अपने को कंट्रोल देखने के लिए मिलता है, और लिफ्ट वगैरह करने के लिए अपने को इसमें कंट्रोल मिलेंगे ये देखिए। यहाँ पे बूट और ये इसके ओपन करने के लिए, हुड को ओपन करने के लिए लीवर मिल जाएगा ये देखिए। और यहाँ पे लाइट के कंट्रोल और पार्किंग सेंसर वगैरह के कंट्रोल मिल जाते हैं। आप बैठते हैं गाड़ी के अंदर। इंटीरियर की बात करें तो ये देखिए अपने को एकदम इसमें स्टीयरिंग चेंज देखने के लिए मिलेगा। GR स्पोर्ट का स्टीयरिंग व्हील मिलता है, जो अपने को फॉर्चुनर जो आती है GR स्पोर्ट वो वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है। इसमें अपने को कार्बन फिनिश देखने के लिए मिलेगी ये देखिए। और यहाँ पे टोयोटा का लोगो, यहाँ पे अपने को इंफोटेनमेंट के कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिलते हैं, और क्रूज कंट्रोल। और वही अपने को इसका ऑडोमीटर देखने के लिए मिलेगा, एनालॉग देखने के लिए मिलता है, और इसमें डिजिटल अपने को इसकी MID मिलती है। बाकी सेम मिलती है जो अपने को टोयोटा हाइलक्स में देखने के लिए मिलती है। यहाँ अपने को इसका 8 इंच का इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है ये देखिए, जो कि सपोर्ट करता है एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले को। और इसमें बैठ के यार इसकी हाइट काफ़ी ऊंची है ये देखिए। जो पुरानी वाली हाइलक्स है, मतलब जो ओरिजिनल हाइलक्स आती है, वो देखिए अपने को कितनी नीची देखने के लिए मिलती है ये देखिए। यहाँ पे वो सामने खड़ी है। और यहाँ अपने को इसका काफ़ी शानदार इंटीरियर देखने के लिए मिलता है। ऑफ रोडिंग कैपेबिलिटीज़ की बात करें तो अपने को काफ़ी ज़्यादा कैपेबल मिलती है हाइलक्स ये देखिए। स्विच वगैरह, AC के कंट्रोल वगैरह, और यहाँ पर अपने को वॉच मिल जाती है ये देखिए। और यहाँ ऑटोमेटिक AC वगैरह, बाकी अपने को सेम ही मिलता है ये देखिए, कप होल्डर। और यहाँ अपने को इसका 6 स्पीड का ऑटोमेटिक गेयरबॉक्स देखने के लिए मिलेगा। यहाँ अपने को इको वगैरह का मोड देखने के लिए मिलता है, इको और पावर का 2 मोड मिल जाते हैं अपने को इसमें ये देखिए। और यहाँ आर्मरेस्ट वगैरह, इसके नीचे अपने को स्टोरेज स्पेस मिल जाता है। और अपने को इसमें एक 100 वोल्ट का पावर सॉकेट भी देखने के लिए मिलता है ये देखिए। और यहाँ अपने को इसमें 2 ग्लव बॉक्स देखने, तो स्पेस के मामले भी अपने को काफ़ी सही मिलती है हाइलक्स ये देखिए। यहाँ पे अपने को काफ़ी शानदार स्पेस, यहाँ पे अपने को लोकेबल ग्लव बॉक्स देखने के लिए मिलता है, 2 ट्विटर मिल जाते हैं अपने को फ्रंट में ये देखिए दोनों साइड। और यहाँ पे अपने को ORVM मिलता है इसका डे नाइट के लिए, इसको आप इलेक्ट्रिकली एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ सनसेट वगैरह अपने को जो नॉर्मल मिलते हैं, यहाँ पे अपने को सनग्लास होल्डर वगैरह मिल जाता है ये देखिए। और बाकी अंदर से अपने को कोई भी खास चेंजेज नहीं है, जो भी चेंजेज है अपने को इसमें बाहर ही मिलते हैं ये देखिए। को लगभग सारे सेफ्टी फीचर देखने के लिए मिलते हैं, ABS, EBD, फ्रंट व्हील में डिस्क ब्रेक, 7 एयरबैग, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल जैसे फीचर मिलते हैं। कि सेफ्टी फीचर्स की लिस्ट आपकी स्क्रीन पे शो हो रही होगी। चलिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच।